बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुए ने ओबीसी आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की भूमिका संदिग्ध है, और अब इसी के विरोध में राज्य में ओबीसी आरक्षण के लिए जोरदार आंदोलन होगा। चंद्रशेखर बावनकुए ने घोषणा की कि 1000 स्थानों पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि चुनाव बिना किसी ओबीसी आरक्षण के कराए जाएंगे। चंद्रशेखर बावनकुए ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की भूमिका संदिग्ध है। ओबीसी को आरक्षण मिलने से रोकने के लिए सरकार के शुक्राचार्य जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने यह भी कहा कि कानून और न्याय विभाग द्वारा उचित रुख नहीं अपनाने के कारण आरक्षण रद्द कर दिया गया था। हर कोई जानता है कि इस विभाग का मालिक कौन है, ऐसा भी सुरान उन्होंने कहा। या सरकारचा मी वारंवार सांगायचो की या सरकार मधले अनेक लोक असे आहेत ज्यांना ओबीसी आरक्षण द्यायचं नाही आहे आणि त्याचं प्रूव झालं। स्वतः नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष असताना आणि आता त्यांनी काल बोलून दाखवलं की राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टात मांडण्यामध्ये अयशस्वी झालं। ठीक आहे, त्यांच्या बोलण्यात त्यांनी ॲडव्होकेट जनरल असं म्हटलं, पण ॲडव्होकेट जनरल हे राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करतात आणि ॲडव्होकेट जनरल आणि राज्य सरकारचे वकील सुप्रीम कोर्टामध्ये योग्य बाजू मांडू शकले नाही, म्हणजे राज्य सरकारचं अपयश आहे। इस वक्त बावनकुए ने कहा कि राज्यभर में 1000 जगहों पर आंदोलन किया जाएगा। नागपुर में 6 स्थानों पर बुधवार को भाजपा की ओर से आंदोलन किए जाने की भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में आंदोलन होंगे, जिसमें विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और अन्य नेता आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक ओबीसीओं को न्याय नहीं मिलता तब तक भाजपा की ओर से आंदोलन किया जाएगा। संपूर्ण महाराष्ट्रभर महाराष्ट्राच्या सर्व तालुक्यामध्ये शहराच्या सर्व विभागामध्ये भारतीय जनता पार्टी उद्या 11 वाजता आंदोलन करणार आहे आणि या महाविकास आघाडीचा त्या ठिकाणी बुरखा 1000 ठिकाणी आंदोलन करू। उद्या 1000 ठिकाणी आमचे नेते या ओबीसीच्या आघाडीचे प्रमुख संजय कुटे आणि माननीय टिळेकर ओबीसी आघाडीचे अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नेते आमची ओबीसी आघाडी आम्ही सर्वांनी ठरवलं आहे, आमदार माजी आमदार सर्व तालुका स्तरावर जिथे जिथे त्या ठिकाणी शक्य होईल तिथे 1000 ठिकाणी या सरकारच्या विरुद्ध आम्ही आंदोलन करणार। उद्या 11 वाजता आम्ही या महाराष्ट्रात आंदोलन करतोय आणि या महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा। उन्होंने राज्य के मदद और पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने के लिए भी सरकार की आलोचना की। इस सरकार में विजय वडेट्टीवार को एक छोटी जगह दी गई है, ऐसा भी इस वक्त उन्होंने कहा। ओबीसी मंत्री के रूप में उन पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति है, सीएम कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश के लिए कांग्रेस पर भी हमला किया। काहीच मांडताल नाही, कारण काहीच केलं नाही, केवळ भाषण येत राहिले, घोषणा करत राहिले, वाजोट्या बैठक घेत राहिले, आंदोलनामध्ये मेळाव्यामध्ये मंत्री राहिले आणि वारंवार महिन्याभरात डेटा तयार करतो, दीड महिना डेटा तयार करतो, आम्ही सुप्रीम कोर्टाला समजवतो, सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय घेतात की आम्ही त्या ठिकाणी अध्यादेश काढतो। का अध्यादेश काढला नाही? ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले से ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जिसके चलते ओबीसीओं को राजनीतिक आरक्षण मिलेगा या सिर्फ राजनीति होगी, ये सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।